हमने देखा भाई बगल में जो है अगर अग्रवाल जी की गाड़ी है, तो मैं अपने मित्र से बोलना, मैं कहा जी अग्रवाल जी की गाड़ी आ गई ऐसे करके। अबे घिरने वाली बात नहीं, मारा तो हमने भी ना। ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल और समाज सेवी सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच हुई मारपीट का मामला गरमाता जा रहा है। सुरेंद्र सिंह नेगी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, पूरा मामला जाना। नेगी के साथ पूरी बातचीत आपको दिखाएं, उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप जिस शख्स को यहां पर देख रहे हैं वो सुरेंद्र सिंह नेगी ही हैं, जो कि समाज से भी बताए जाते हैं। वीडियो में ये कह रहे हैं कि मारा तो हमने भी है, और इनके हाथ में एक पेन है, और इस पेन को जो आप देख रहे हैं इसको लेकर ये कह रहे हैं कि जो उनके पास पेन है वो मंत्री जी का है, और ये सबूत है। हमने माँ का दूध तो पी रखा हमने भी भाई, अरे पता नहीं कहाँ से है क्या। चार आदमी गिरे, अबे गिरने वाली बात नहीं, मारा तो हमने भी ना। अब पुलिस वाला पिस्टल मार दूंगा, पिस्टल मार दे तू। ये पुलिस ये उसका ये प्रेम सिंह वाला पेन नहीं है। ना ना नहीं, गाली दे रहा मैं, वो कह रहा पिस्टल मार दूंगा भाई। ये पिस्टल के पिस्टल मारने वाला क्या कर रहा हमने यार काम ऐसा। मैंने ये मंत्री जानता है मुझे, मैंने कहा भाई तुम नहीं जानते, मैं मंत्री जानता हूँ। वो मंत्री का पेन है मेरे पास, ये सबूत के तौर पर। अब इस मामले को हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि मामला क्या कुछ हुआ और अपडेट क्या कुछ है वो भी। दरअसल कल ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल और उनके गनर की सुरेंद्र सिंह नेगी और उनके एक और साथी के साथ कहासुनी और मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री को तलब करने और डीजीपी को निष्पक्ष जाँच के निर्देश दे दिए। फिलहाल इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। एक तो इस प्रकरण में दो एफआईआर लॉज हुई है, एक में गौरव राणा जो मंत्री जी के जो गनर हैं उन्होंने एफआईआर लॉज की है, और वो आपके सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर तो दो व्यक्तियों के खिलाफ है। उसमें 392, 332, 353, 5,000, 5,000 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। दूसरा जो मामला है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो प्रतिवादी हैं पहले वाले मुकदमे में, उन्होंने कौशल विजयमान एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें मैंने मंत्री जी का भी और मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गनर का भी जिक्र किया हुआ है, तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया है 147, 323, 504 आईपीसी के सेशन के तहत। दोनों विवेचनाओं का जो विवेचक वो एसएचओ ऋषिकेश खुशीराम पांडे हैं, और दोनों मामलों में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैंने बता दिया है विवेचक को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के तटस्थ होकर के विधि के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सर ये तो मंत्री जी को बचाने की ही कोशिश है देहरादून पुलिस की, क्योंकि नाम नहीं नामजद हो रहा है और वीडियो में दिख रहे हैं सर, वीडियो में बर्बरता पूर्वक वो उसमें एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर को उसमें शॉर्ट में लिखा जाता है बिजलवाण एवं मान्य करके, उसमें मान्य मंत्री जी का भी मंत्री जी लिख करके जिक्र किया हुआ है, ऑटोमेटिकल है कि उनका भी इसमें नाम है। सुरेंद्र सिंह नेगी से हमारे सहयोगी ने जब पूरा मामला जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ ऋषिकेश हरिद्वार सड़क मार्ग से गुजर रहे थे, तभी सड़क मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद मंत्री जी का वाहन भी वहां पर पहुंच गया, और उसके बाद सुरेंद्र नेगी ने अपने दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा कि मंत्री जी की गाड़ी भी जाम में फंस गई है। तो इतने में मंत्री जी ने उन्हें कहा कि क्या बोल रहे हो, इतने में मंत्री जी के निजी पीआरओ के द्वारा वाहन से बाहर उतर कर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई, जिसके बाद मंत्री के द्वारा भी उनके साथ पिटाई की गई। एक और कल से पूरे प्रदेश में हो रही बारिश के चलते प्रदेश में काफी ठंड का माहौल है, तो वही जिस नगरी ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और समाजसेवी सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच में काफी तनातनी यहां पर हुई, मारपीट तक बात आ गई थी। आज हमारे साथ समाजसेवी सुरेंद्र सिंह नेगी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। सुनिए आखिर क्या था पूरा मामला। सबसे पहले तो मैं तमाम आपके दर्शकों को, चैनल को और जितने भी मीडिया के बंधु है और समाज है सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे साथ खड़े हुए। कल का मामला क्या हुआ इसकी तो हमें भी जो है मतलब ना तो कोई कल्पना थी, ये ना हमने सोचा और या इस प्रकार कैसे हो गया, इसमें भी हमें जो है कहते हुए मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें, लेकिन हुआ है, जो चीज़ें हुई है सामने दिख रही है सबको। और इसमें जो है अब जैसे अब आरोप प्रत्यारोप की बात है, वो कह रहे कि भाई आपने जो है शुरुआत करी, हम कह रहे उनने करी, अब जनता इसका निर्णय ले कि भाई किसने क्या करा। अब ऐसा है कि जाम में हम फंस गए थे और हमने देखा भाई बगल में जो है अगर अग्रवाल जी की गाड़ी है, तो मैं अपने मित्र से बोलना, मैं कहा जी अग्रवाल जी की गाड़ी आ गई ऐसे करके, तो उनकी गाड़ी उन्होंने कहा भाई नीचे वो कह रहा, उन्हें क्या कह रहा, तो हमने कहा जी मंत्री जी आपको कुछ नहीं कह रहे हम, ठीक है हम अपनी बात चल रही, तो फिर उन्होंने जो है उसमें थोड़ा आवेश में आ गए, क्या हुआ भगवान जाने। उसके बाद फिर नीचे उतर गए, नीचे उतरने के बाद जो उनके जो पीआरओ कौशल विजवान है उन्होंने आके सीधा माँ बहन की गाली देते हुए पढ़वाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे मंत्री जी भी मार रहे हैं, तो वो तो विजुअल बहुत सारे मैंने देखे अभी सुबह से जब से आया हूँ,
तो मुझे दिख रहा है कि मंत्री जी तो मुझे जो है कहीं से कहीं तक मारते मारते जहाँ तक भी आखिर वो है स्टेज वहाँ तक ले जा रहे हैं, तो ये चीज़ सब दिख रही है उसमें। तो अब ऐसा है कि हमने जो है अपनी कार्रवाई करने के लिए जो है कानून में विश्वास रखते हुए जो है अपनी एफ आई आर दर्ज करने दे दी है, और जैसा भी आगे विवेचना में आएगा तो हम जो है अपना स्टैंड लेंगे इस प्रकार से। आपका कहना है कि आपने मंत्री जी से आपकी बहस हुई या मारपीट हुई तो आपने खुद नहीं देखा कि मंत्री जी आपको मार रहे हैं, लेकिन मंत्री का आरोप है कि आपको आपके द्वारा उनका जेब फाड़ा गया है, जो उनके पैसे थे जेब में, कुछ कागजात थे वो गुम हो गए हैं, तो इसमें क्या कीजिए? देखिए सारी बातें निराधार हैं, इसमें कोई आधार नहीं है। अगर मेरे को उनका कुछ पैसा छीनना होता या कुछ करना होता तो भाई वही मिल गया मेरे को, भाई एक मंत्री को क्यों छीनेंगे हम? अगर छीनना होता तो हम गली कूचे में अंधेरे में इंतजार करते किसी व्यक्ति का जिसकी जो है कोई सुनवाई ना हो कहीं से कहीं तक। अब एक मंत्री पे हाथ डालना मैं नहीं समझता कि एक सामान्य आदमी का एक मतलब दृष्टिकोण हो सकता है या पहले से एक भी प्लानिंग हो सकती है। मैं जो घटनाएं हुई आप देख रहे हैं तमाम कि भाई हम तो डिफेंसिव मोड में रहे, उसमें अपने को ही बचा रहे हैं, जब पाँच पाँच छः छः लोग हमें मार रहे हैं तो उसमें बचाने का तो अपने को भाई मेरा अधिकार है ही, और बाकी उन्हीं के लोगों के द्वारा उनके कपड़े फाड़े गए ये हो सकता है, या उनको बाद में उन्हें कपड़े फाड़ दिए कोई एक स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कई लोग जो है विजुअल बना रहे थे, तो विजुअल में कहीं ना कहीं भाई क्षति उनको है, मेरे को कोई किस प्रकार की क्षति है? हम तो ना एक तीन में ना तेरह में ये है। तो काफ़ी संगीन धाराओं में उनके जो गनर हैं उनके द्वारा आपके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए वो स्क्रिप्टेड है, सारा लिखा हुआ जो है, तमाम चीज़ें दिख रही है लोगों को, और गनर ने कहा है तो अब बाकी विवेचना में आएगा तो विवेचना में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना है कि भाई सरकार एक तरफा देखेगी, एक तरफा देखेगी तो फिर जो है हमारे न्यायालय है, न्यायालय नहीं है तो फिर समाज है, हम समाज के पास जाएंगे, फिर न्याय नहीं होगा हमारे साथ। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ब्रिटेन के द्वारा भी तहरीर दी गई है, क्या कुछ खुलासा आपने तहरीर में किया है, क्या मुकदमा कायम हुआ है? तहरीर में मैंने जो है पूर्ण रूप से जो घटना घटित हुई सारी की सारी घटना उसमें पूरी खोल करके डाल रखी है, और उस घटना के आधार पर अब पुलिस कौन कौन सी धाराएं जोड़ती है, जो छूट जाएगी कानूनी प्रक्रिया में, जो कमी रह जाएगी, हमारे तमाम साथी वकील हैं और जितने भी एक समाज सेवी तौर पर जो वकालत कर रहे हैं वो लोग भी मेरे से संपर्क करा है अन्य अन्य माध्यमों से, घर पर भी आए थे कुछ लोग, तो उन्होंने कहा भाई पूरा उन्होंने विश्वास दिला रखा कि अरे सुरेंद्र भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके साथ जो है अन्याय नहीं होगा, कहीं कोई कमी रह जाएगी तो कह रहे हम सब साथ। तो आप संघ से भी बिलोंग करते हैं, आरएसएस से बिलोंग हैं, तो क्या समर्थन मिल रहा है संघ आपको? देखिए अब संघ का समर्थन या उसमें उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन जो संघ में हमारे लोग हैं भाई, संघ क्या है, एक समाज है पहले, सबसे पहले तो अब संघ या किसी अन्य राजनीतिक दलों से होना तो एक अपने अलग अपनी जगह अलग बात है, लेकिन पहले लोग समाज है, तो समाज से मुझे अपूर्व मतलब समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है, सब मेरी पीड़ा में खड़े हैं, मेरे परिवार के साथ। मुझे पता लगा भाई रात को 2:30-3 बजे तक लोग जो है यहाँ थाने के अंदर बैठे थे, और भी तमाम चीज़ें मतलब पूरे घटनाक्रम में आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे होंगे आप जैसा भी है, तो सबका समर्थन है, सहयोग है, ऐसा कुछ नहीं है, और संघ का बिल्कुल पर्टिकुलर एक बयान नहीं जारी हो सकता। अगर आप लोग उनसे पूछेंगे तो अपना स्टैंड लेंगे कि भाई मैं संघ का मैं कहीं आप तो क्या पता मंत्री जी उनके अन्य लोग जो ये कहना चाहिए संघ का भैरू भी आए, तो भाई वो संघ वाले बताएंगे ना फिर। आप अगर मीडिया उनके पास पहुँचता है संघ वालों के पास, तो वो बताएंगे कि हमारा कार्यकर्ता है अथवा नहीं, मैं वो कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जिस कार्य को मुझे दे रखा है मैं उस कार्य को जिम्मेदार से निभा रहा कि नहीं निभा रहा समाज के बीच में, तो ये तमाम चीज़ें जो है आगे आप लोग जानकारी ले सकते हैं लोगों से। तो आप सूबे के मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से जैसे मुझे जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि भाई उन्होंने कहा है निष्पक्ष जाँच होगी, इसमें कमेटी बिठाई जाएगी, अन्य जो भी वादे उन्होंने करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जो है जो उन्होंने कहा उनकी कथनियाँ करने में जो है कोई ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं है कि नहीं, और विश्वास रखते हैं भाई क्योंकि मंत्री तो वही है हमारे मुख्यमंत्री प्रथम मुखिया है, अब सरकार उन लोगों ने चलानी है, किस प्रकार चलाते वो तो उनका खुद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हमारे सांसद सिंह जी मौजूद थे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है स्क्रिप्ट बनाई गई है उनके खिलाफ, कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है, जबकि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने भी यहाँ तक खुद नहीं देखा कि मंत्री उनको मार रहे हैं। इस प्रकरण के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस पूरे प्रकरण पर ऋषिकेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारी बारिश के बीच ऋषिकेश रेलवे रोड पर मंत्री का पुतला दहन कर विरोध भी जताया गया। कांग्रेस लगातार उत्तराखंड के सीएम से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, और मामले में संज्ञान न लेने पर कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसमें सिर्फ कांग्रेस की नहीं पूरे प्रदेश की प्रतिक्रिया यही है कि अगर हमारे देश में हमारे प्रदेश में एक मंत्री एक आम राह चलते हुए व्यक्ति पे हाथ उठा रहा है
तो ये लोग क्या हमारे प्रदेश के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कर पाएंगे? जो व्यवस्थाओं को बनाते हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जिनका काम है कि लोगों को संरक्षण देना, अगर कोई उनके खिलाफ कर रहा है, वो मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हुए अगर वो आदमी एक व्यक्ति पर हाथ उठा रहा है, तो ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है कि जिन लोगों को जनता ने वोट देके चुना है, जनता के हितों के काम करने के लिए चुना है, वो पब्लिकली जनता के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो ये बहुत निंदनीय काम है, बहुत शर्मनाक काम है। कांग्रेस इसके खिलाफ आज ऋषिकेश में भी, पूरे प्रदेश में कुत्ता दहन का कार्यक्रम हो रहा है, और अभी महिला कांग्रेस में शाम को ऋषिकेश में कुछ कार्यक्रम करेगी। हम लोग जब तक मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेके मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। अब इस पूरे मामले में सुरेंद्र नेगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कांग्रेस सहित उत्तराखंड क्रांति दल में रोष व्याप्त है। वहीं इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की शव यात्रा निकालकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि जो प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि उनका कुर्ता फाड़ा गया था, उनके कुर्ते की पॉकेट फाड़ी गई और पॉकेट में रखे कागज सब खो गए हैं, तो वहीं सुरेंद्र सिंह नेगी अपने सुना कह रहे हैं कि उन्होंने कुर्ता नहीं फाड़ा है। अब खैर ये सब कुछ जाँच का विषय। तो ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।